इफ देयर आर टू थिंग्स दैट वी इंडियन थ्राइव्स ऑन, वो है क्रिकेट और वो है बॉलीवुड. लेकिन एक चीज इन दोनों को मात दे देती है और वो है हमारी चाट. कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, बंगाल से लेके गुजरात तक, चाट 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 हर जगह फेमस है चाट. तो आज बना रहे हैं हम तीन चाट इन जस्ट 5 मिनट्स. कौन कौन सी है हमारी तीन चाट, चलिए बताती हूँ जल्दी जल्दी. तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स. अब ये बताइए, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूंगी. और हाँ, याद है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत. कौन कौन सी है हमारी तीन चाट? तो सबसे पहले तो बनाएंगे हम पापड़ चूरमा. ये एक ऑथेंटिक राजस्थानी रेसिपी है और इसके लिए हमें चाहिए पापड़ जिन्हें हम भून लेंगे. तो पहले यहाँ पर पापड़ भून लिए जाएं. तो पहले हम गैस पे पापड़ को भून लेंगे और तलेंगे नहीं इन पापड़ों को, भूनेंगे. एक दूसरा और तरीका है इन पापड़ों को भूनने का, और वो ये कि आप इनको केवल 30 सेकेंड्स तक माइक्रोवेव कर लीजिए. बड़े करारे क्रिस्प पापड़ तैयार हो जाएंगे विदाउट फ्राइंग. तो ये भून लिए हमने अपने सारे पापड़. और अब थोड़ा सा प्याज मैं बारीक काट लेती हूँ. तो ये हमारा अनियन रेडी. और अब टमाटर को भी महीन महीन मैं काट लेती हूँ. वैसे टमाटर ना ऐड करना चाहे ना तो टमाटर को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टमाटर बहुत रसीला होता है ना, तो उसके पानी से ये जो पापड़ है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा सौगी हो जाता है. इन दैट केस आप क्या कीजिएगा, टमाटर का बीज और उसका पल्प हटा दीजिएगा, केवल टमाटर का जो छिलका है वो लीजिएगा. और अब एक बोल में पापड़ को मैं क्रम्बल कर लूंगी. देखिए ऐसे, यानी कि इसकी एक चूरी बना लेंगे. अब इस चूरी में मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी. भाई राजस्थान का खाना बन रहा है और उसमें घी ना डले, ऐसा तो मुमकिन नहीं. इसे घी से टॉस कर लीजिए. और अब इसमें ऐड करूंगी मैं फाइन चॉप किया हुआ अनियन, फाइन चॉप किया हुआ टमेटो, फाइन चॉप किया हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरी धनिया, इनको भी कर लीजिए मिक्स. दिस डन. पहले इसे निकाल ले रही हूँ यहाँ पर अपनी सर्विंग डिशेस में. दिस डन. अब आप चाहें तो इस पर नींबू निचोड़ के खाइए, या फिर चाहें तो थोड़ी सी हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं करने जा रही हूँ. हर एक पे थोड़ी थोड़ी हरी चटनी. वैसे ट्रेडिशनली तो इस पर अनार के दाने नहीं डाले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिठास देने के लिए, सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए आप चाहें तो मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं. और इसी के साथ वंस अगेन एंटायरली ऑप्शनल, अगर सेव हो या भुजिया हो, थोड़ी सी सेव या भुजिया भी ऐड कर दीजिए. और अब एक पापड़ जो मैंने बचा के रखा है ना, इसे मैं क्वार्टर्स में तोड़ ले रही हूँ. और इसे यूज़ करेंगे हम ऑन द साइड, नॉट जस्ट फॉर अ गार्निश बट लाइक अ स्पून ऑल्सो टू ईट दिस. तो लीजिए 5 मिनट के अंदर वो पहली वाली पापड़ की चूरी, जो एक ट्रेडिशनल राजस्थानी डिश है लेकिन जिसको दिया है हमने थोड़ा सा अपना सा ट्विस्ट, वो हो गई रेडी. हो गई ना 5 मिनट की चाट तैयार. अब अगली चाट, चलिए वो भी बना ली जाए. और अगली चाट हमारी है नूडल्स मंचूरियन चाट. और मजेदार बात ये है कि बड़ी कहानियां हैं कि ये चाट आई कहाँ से. अब कुछ लोगों को मानना है कि चाट आई गुजरात से, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाट का इजाद हुआ एम्परर शाहजहां के लिए. तो ये यूपी में बनी. हुआ यूं कि शाहजहां की हो गई थोड़ी तबीयत नासाज और उनके हकीमों ने सजेस्ट किया कि आप कुछ स्पाइसी लेकिन हल्का खाइए. ऐसा स्पाइसी जिसमें सारे फ्लेवर्स भी हों और स्पाइसेस आपकी तबीयत को तंदुरुस्त करने में करेंगे मदद. तब हुआ चाट का इजाद और महलों से निकल के पहुंच गई सड़कों पे और सड़कों से चलती चलती दुनिया के हर कोने पे. जी हाँ,
तो आज की चाट दूसरी वाली थोड़ी सी अनोखे अंदाज की है। हम हिंदुस्तानी तो भाई हर चीज को कुछ नया रूप दे देते हैं, तो चाइनीज नूडल्स को भी हमने एक नया रूप दे दिया और बना ली नूडल चाट। इसके लिए ये बॉयल्ड नूडल्स हैं जिन्हें मैं पहले फ्राई करके निकालूंगी जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते। इन नूडल्स को फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते, हल्का सा गोल्डन कलर भी नहीं ले लेते तब तक। जब आपके पैन में बबलिंग बिल्कुल बंद हो जाए, यानी कि बुलबुले उठने बंद हो जाएं, और ये देखिए ऐसे गोल्डन क्रिस्प हो जाएं ये नूडल्स, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो मेरे फ्राइड नूडल्स तो रेडी हो गए, अब क्या किया जाए? अब इसके लिए एक बढ़िया सी मंचूरियन सॉस बना ली जाए। अब सॉस बनाने के लिए मुझे चाहिए केवल 1 टीस्पून तेल। तेल जब हो जाएगा बहुत अच्छे से गरम, तब ऐड करूंगी इसमें बारीक कटी हुई गार्लिक और बारीक कटी हुई अदरक भी। अब ये देखिए कितना बढ़िया से गोल्डन हो गया हमारा गार्लिक और जिंजर, यानी कि अदरक और लहसुन। अब इसमें ऐड करूंगी बाकी वेजिटेबल्स, बिगिनिंग विद हरी मिर्च, फाइन चॉप किया हुआ बीन्स, थोड़ा सा पत्ता गोभी। अब इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकने नहीं देना है, क्रिस्प ही रखेंगे हम। तब तक के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं हम अपनी सॉस, और उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पेस्ट, इसी के साथ 1/4 कप ऑफ टमेटो केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस, ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून विनेगर भी, इसी के साथ सॉल्ट टू टेस्ट, कीपिंग इन माइंड कि केचप में और सोया सॉस में अच्छा खासा नमक है, और इसी के साथ पेपर पाउडर भी। इन सबको मिक्स कर लीजिए। इसमें ऐड करेंगे अबाउट 1 कप फुल ऑफ वाटर और इसके साथ 1/2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नस्टार्च। मिक्स दीज इन, एक स्मूथ कॉर्न स्लरी बना लीजिए और अपनी कॉर्न स्लरी को पोर कर दीजिए इस पैन में। सॉस को हम पका लेते हैं जब तक ये थोड़ी सी थिक हो जाए और ग्लेज्ड लुक ले ले। एक देखिए कितनी नाइस थिक एंड ग्लॉसी हो गई है मेरी सॉस। सॉस भी रेडी, नूडल्स भी रेडी, अब क्या किया जाए? चाट सर्व की जाए। तो शुरू करते हैं असेंबल करना अपनी नूडल चाट, और उसके लिए पहले ये फ्राइड नूडल को मैं नीचे थोड़ा क्रम्बल करके अपने सर्विंग बोल में ऐड कर दूंगी। टेक इट इन योर हैंड, क्रम्बल अ बिट एंड पुट इट एट द बेस। दिस डन, अब इसके ऊपर अपनी खट्टी मीठी चटपटी सी सॉस पोर करूंगी। लुक एट दैट, इजंट दैट सो टेम्प्टिंग? मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। अब इसके ऊपर कुछ स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम, जो एक बहुत ही अच्छा सा बाइट भी देगा और इसको एक क्रंच भी देगा, ये ऐड करती हूँ। और ऐड करती हूँ कुछ फाइन चॉप किया हुआ कैरेट, एक फ्रेशनेस के लिए, थोड़े से कलर के लिए भी फाइन चॉप किए हुए स्प्रिंग ऑनियंस, थोड़ी टोस्टेड सेसमे सीड्स और कुछ स्प्रिंग अनियन वाइट्स भी। गेस कीजिए किस अमेरिकन चाइनीज डिश से इंस्पायर्ड है मेरी आज की नूडल चाट, कमेंट्स में से जरूर लिखिएगा, और फिर मैं बताऊंगी आपको कि आपने सही गेस किया है कि नहीं। तो लीजिए दूसरी चाट भी रेडी, हमारी नूडल चाट। अब तीसरी चाट कौन सी है? अरे उसे देख के तो आपको बस मजा ही आ जाएगा। चलिए बनाते हैं हमारी आज की तीसरी चाट, और वो है पाइप चाट। जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बचपन में कभी ऐसी पाइप खाई आपने? भाई हमने तो बहुत खाई है, और उसे ऐसे उंगलियों में फंसा फंसा के उसके साथ खेला भी बहुत है। खेल को करेंगे अलग, क्योंकि आज हम इसके साथ बनाएंगे अपनी पाइप चाट। जी हाँ, ये फ्राइंग्स जो है ना, इनकी बनाएंगे आज हम पाइप चाट, है ना इंटरेस्टिंग? और इसके लिए ये उबले हुए आलू हैं मेरे पास, जिनको मैं ग्रेट कर लूंगी मोटे वाले ग्रेटर के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, ये फाइन मैश हो जाएगा।
आप चाहें तो गर्मा गर्म आलू को एक छन्नी से भी छान सकते हैं, वैसे भी आपको मिल जाता है एक फाइन मैश। तो ये आलू ग्रेट कर लिए गए और अब इस ग्रेटेड आलू में मैं ऐड करूंगी एक चम्मच हरी चटनी। ये काफ़ी तीखी चटनी है, इसमें धनिया, पुदीना, हरा मिर्च तीनों ऐड किया है मैंने, तो जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें ये हरी चटनी ऐड कीजिए। और इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जितनी आप चाहें उतनी, तीखी चाहें तो तीखी, कम तीखी चाहें तो कम, बारीक कटी हुई हरी धनिया, ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। गुड़ इमली की चटनी। स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक और डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, इसी के साथ थोड़ा सा चाट मसाला भी और थोड़ा जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब ये मिक्सचर भी मेरा रेडी हो गया। पाइप्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फ्राई करके रखी हैं, मार्केट में फ्राइड भी मिलती हैं, आप चाहें तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको बीच में से मैं आधा तोड़ती जाती हूँ, एक शार्प नाइफ की हेल्प से आप इसको कट कर लीजिए। और अब इन एम्प्टी पाइप्स को हम कर लेंगे फिल अपनी स्टफिंग के साथ। दोनों तरफ से भरिए इसमें स्टफिंग, पुश कर दीजिए विद द बैक ऑफ योर स्पून सो दैट ये पूरा अंदर तक स्टफिंग चला जाए। और अब ये दोनों एंड्स को आप एकदम फाइन सेव, ये जो महीन वाली सेव होती है नायलॉन सेव, इसमें कीजिए डिप और निकाल लीजिए अपनी सर्विंग प्लेट पर। देखा कितना आसान है, और बना लिए जाएं। तो लीजिए हो गई तैयार हमारी पाइप की चाट भी। आहा, इतनी बेहतरीन है कि आपको इसे बनाना पड़ेगा, घर में खाना पड़ेगा और फिर मुझे बताना पड़ेगा जल्दी जल्दी वाली चाट ये कैसी बनी। तो कहा था ना आपसे तीन चाट की रेसिपीज आपके साथ आज शेयर करूंगी जो आप बना सकते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए बनाइए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये रेसिपीज आपको कैसी लगी।